वेलकम, जलेश्वरी कुकिंग को स्वागत है। आज हम बनाएंगे झटपटा और हेल्थी नाश्ता गेहूं के आटे से। मैंने ली है गेहूं के आटा 1 कटोरी, बेसन आधा कटोरी और सूजी थोड़ा छोटे कटोरी में आधा कटोरी। और कलर आने के लिए थोड़े से हल्दी, स्वाद अनुसार नमक और 1 चटकी खाने का सोडा। और हम उसमें पानी डाल के एक अच्छा सा बैटर बना के रखेंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम बनाएंगे। थोड़े थोड़े करके पानी डालते जाएंगे। अच्छा सा बैटर बनाए देंगे। अब हमारा बैटर बनके रेडी हो गया है। अभी हम उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट कर देंगे। अभी हमारा बैटर बन के रेडी हो चुका है। अभी हम एक पैन में पैन गर्म हो चुकी है। अभी हम उसमें तेल लगाएंगे। वो बनाया हुआ बैटर हम तवे में डालेंगे। हम उसको ज्यादा नहीं फैलाएंगे क्योंकि उसके ऊपर हम थोड़ा सब्जी डालेंगे। उसके ऊपर हम ये ग्रेट किया हुआ गाजर बच्चों की सेहत के लिए गाजर अच्छा रहता है और बच्चे ऐसे खाली में तो खाते नहीं है। इसके लिए ऐसे बना के दो तो सेहत के लिए अच्छा है। तो इसके ऊपर मैंने लिया थोड़ा कैप्सिकम और थोड़ा गाजर और थोड़ा टमाटर और थोड़ा ग्रीन मटर ऐसे ऐसे थोड़ा चिपका देंगे जो कि निकलेगा। और थोड़ी सी हरी मिर्च और इसके ऊपर हम थोड़ा और थोड़ा तेल डाल दूंगी। और नीचे से गरम हो गया होगा तो अभी मैं इसको दूंगी।
हम गैस को थोड़ा तेज कर दें और इसके ऊपर थोड़ी सी अधिक तेल डालवा के तो 2 मिनट के लिए ढक देंगे। अभी 2 मिनट हो चुकी है, अभी हम देखेंगे, बताएंगे पीछे से क्या हुआ। अभी पीछे से पूरी तरह से पक गया है और नीचे की तरफ थोड़ी सी और 2 मिनट पका के निकाल देंगे उसको। अभी हम बन के रेडी हो गया है, निकाल दिए है प्लेट में। देखने में कितना सुंदर और अच्छा लगता है और खाने में के लिए भी उतना स्वादिष्ट है।